और ली चाइल्ड के दो शूने एक तीन के उपन्यास नेवर गो बैक पर आधारित है 2012 की फिल्म जैक रीचर की अगली कड़ी फिल्म में टॉम क्रूज और कोबी स्मल्दर्स है जबकि सहायक कलाकारों में पैट्रिक ह्यूसिंगर एल्डिस हॉज डेनिका यरोश होल्ट मैकल्नी और रॉबर्ट नेपर शामिल है कथानक रीचर के सेना के एक मेजर के साथ भागने पर आधारित है जिसे जासूसी के आरोप में फंसाया गया है क्योंकि दोनों एक गहरी साजिश का खुलासा करते हैं मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2015 को न्यू ऑर्लियंस में शुरू हुई और फिल्म 21 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई पांच इसने दुनिया भर में एक मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की जिन्होंने क्रूज के प्रदर्शन और फिल्म के एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की लेकिन कथानक की आलोचना की सेक्स कथानक एक सौ दसवीं अमेरिकी सेना सीआईडी सैन्य पुलिस एमपी को भ्रष्ट ओक्लाहोमा शेरिफ रेमंड वुर और उनके स्थानीय डिप्टी को गिरफ्तार करने और मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोर करने में मदद करने के बाद ड्रिफ्टर और पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिस अन्वेषक और मेजर जैक रीचर अपनी पुरानी सेना में लौट आए वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय मेजर सुसान टर्नर से मिलने के लिए जिनके साथ वह अपनी यात्रा के दौरान फोन पर काम करते रहे हैं उसे कर्नल सैम मॉर्गन से पता चला कि टर्नर पर जासूसी का आरोप लगाया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है साक्ष्य से पता चलता है कि टर्नर अफगानिस्तान में दो अमेरिकी सेना सांसद सैनिकों की हत्या में शामिल है लेकिन रीचर का मानना है कि उसे फंसाया जा रहा है वह टर्नर के वकील आर्मी जेजी कर्नल मूरक्रॉफ्ट से मिलता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसके खिलाफ क्या आरोप है मूरक्रॉफ्ट ने उन्हें सूचित किया कि उनके एक पुराने परिचित कैंडिस डटन ने उनके खिलाफ पितृत्व मुकदमा दायर किया है जिसमें दावा किया गया है कि वह उनकी पंद्रह वर्षीय बेटी सामंथा के जैविक पिता है रीचर उस तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे झिड़क देती है मूरक्रॉफ्ट को बाद में द हंटर द्वारा पीट पीट कर मार डाला गया जो एक पूर्व सोकॉम ऑपरेटर से भाड़े का सैनिक बना था जिसने हत्या के लिए रीचर को फंसाया था रीचर को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल ले जाया गया जहां टर्नर को हिरासत में लिया जा रहा है जब दो हिटमैन आते हैं तो वह उन्हें मार गिराता है फिर टर्नर के साथ भाग जाता है वे मॉर्गन के पास जाते हैं यह अनुमान लगाकर कि वह साजिश में शामिल है हंटर बाद में मॉर्गन को मार देता है और रीचर को फिर से फंसा देता है रीचर और टर्नर ने सामंथा की निगरानी तस्वीरें उजागर कीं और अनुमान लगाया कि वह खतरे में है उसके घर पहुंचकर वे पाते हैं कि उसके पालक माता पिता की हत्या कर दी गई है और वह छिप गया है तीनों सुरक्षा के लिए टर्नर के पुराने निजी स्कूल की यात्रा करते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि सामंथा या सैम के पास उसका मोबाइल फोन है जिसे दुश्मन ने संभवतः ट्रैक कर लिया है वे तेज़ी से बाहर निकलते हैं इस दौरान सैम एक छात्र से क्रेडिट कार्ड चुरा लेता है तीनों डेनियल प्रुधोमे की तलाश में न्यू ऑर्लियंस जाते हैं जो उन हत्याओं का एकमात्र चश्मदीद गवाह है जिसके लिए टर्नर को फंसाया गया है रास्ते में सैम ने खुलासा किया कि वह वह थी जिसने अपनी मां के लिए रीचर से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पितृत्व मुकदमा दायर किया था रीचर और टर्नर प्रधोमी को नशीली दवाओं के आदि लोगों से भरे एक परित्यक्त गोदाम में पाते हैं प्रुधोमी एक निजी सैन्य संगठन पैरासोर से जुड़ा हुआ निकला जो हत्याओं को छुपाने की कोशिश कर रहा है रीचर टर्नर को हिरासत में लेने के लिए उसके दोस्त कैप्टन एंथोनी एस्पिन से संपर्क करता है लेकिन पैरासोर्स के गुर्गों द्वारा उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है और प्रुधोमी मारा जाता है जबकि रीचर एक घायल एस्पिन को बचाता है पैरासोर्स के सीईओ जनरल जेम्स हार्कनेस सैम को पकड़ने के लिए हंटर भेजते हैं रीचर टर्नर, एस्पिन और सांसदों की एक टीम प्रुधोमे से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए देश में प्रवेश करने जा रहे हथियारों की एक खेप को रोकते हैं जहां वे हार्कनेस और उसके लोगों का सामना करते हैं एस्पिन को एंटी टैंक हथियार मिलते हैं जैसा कि फ़्लाइट मैनिफ़ेस्ट में, में घोषित किया गया है जिसके अंदर अफ़ीम छिपी हुई है उन्हें यह भी पता चला कि हार्कनेस ने टर्नर को जो उसकी गतिविधियों की जांच कर रहा था दो सैनिकों की हत्या के लिए फ़ंसाया था जिन्होंने पाया था कि हार्कनेस विद्रोहियों को हथियार बेच रहा था और अमेरिका में अफ़ीम की तस्करी कर रहा था हंटर और उसके लोग रीचर को टकराव के लिए लुभाने के लिए न्यू ऑर्लियंस में सैम का पीछा करते हैं जबकि रीचर और टर्नर उसके गुर्गों को मारते हैं हंटर सैम को छत पर पकड़ लेता है हालांकि जब रीचर आती है तो वह भागने में सफल हो जाती है वह हंटर से निपटता है और उनके बीच एक भयानक लड़ाई होती है जिसका अंत रीचर द्वारा हंटर के हाथ पैर और गर्दन को तोड़ने के साथ होता है उसके शरीर को छत से फेंकने से पहले हार्कनेस की गिरफ्तारी के बाद टर्नर को उसकी कमान में बहाल कर दिया गया रीचर संपर्क में रहने का वादा करता है फिर एक भोजनालय में सैम से मिलने जाता है वह उससे कहता है कि अगर वह उसकी मां को जानता है तो वह उसे पहचान लेगा क्योंकि वह हर उस महिला को याद करता है जिसके साथ वह सोया है सामंथा ने खुलासा किया कि जो वेटरेस उसकी सेवा कर रही थी वह वास्तव में उसकी मां है इसलिए रीचर उसका पिता नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में से किसी ने भी दूसरे को नहीं पहचाना था रीचर और सैम फिर अनिच्छा से अलग हो जाते हैं जब वह सड़क पर चल रहा था तो वह एक फोन सुनकर आश्चर्यचकित हो गया जो उसकी जेब में घुस गया था रीचर को सैम का एक टेक्स्ट संदेश मिला जिसमें लिखा था अभी तक मेरी याद आ रही है वह सवारी करने के लिए अपना अंगूठा बाहर निकालते हुए मुस्कुराता है कास्ट करें जैक रीचर के रूप में टॉम क्रूज एक पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिस अधिकारी मेजर सुसान टर्नर के रूप में कोबी स्मलदर्स कैप्टन एस्पिन के रूप में एल्डिस हॉज जैक रीचर की कल्पित जैविक बेटी सामंथा के रूप में दानिका यारोश लेफ्टिनेंट सुलिवन के रूप में जेसिका स्ट्रूप हंटर के रूप में पैट्रिक ह्यूसिंगर कर्नल सैम मॉर्गन के रूप में होल्ट मैक्कलनी जनरल जेम्स हार्कनेस के रूप में रॉबर्ट नेपर सार्जेंट लीच के रूप में मेडलिन हॉर्चर कर्नल मूरक्रॉफ्ट के रूप में रॉबर्ट कैटरिनी डेनियल प्रुधोमे के रूप में ऑस्टिन हेबर्थ शेरिफ रेमंड वुड के रूप में जेसन डगलस स्थानीय डिप्टी के रूप में जुड़ लोरमंड इसके अलावा जैक रीचर उपन्यास श्रृंखला के लेखक ली चाइल्ड टीएसए एजेंट के रूप में एक संक्षिप्त भूमिका निभाते हैं उत्पादन विकास जबकि जैक रीचर को एक फिल्म श्रृंखला के लिए टेंटपोल बनाने का इरादा था उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर इसके कमज़ोर प्रदर्शन के कारण शुरुआत में इसकी अगली कड़ी की संभावना नहीं बताई गई थी सात वो फरवरी २०१३ में फ़िल्म के दुनिया भर में २०० मिलियन डॉलर की कमाई को पार करने के बाद सीक्वल की संभावना अधिक हो गई आठ नौ दिसंबर २०१३ को पैरामाउंट पिक्चर्स और स्काई डांस मीडिया ने घोषणा की कि वे एक दूसरी फ़िल्म के विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं जो कथित तौर पर 2013 के जैक रीचर के उपन्यास नेवर गो बैक पर आधारित है नौ 14 मई 2014 को टॉम क्रूज के जैक रीचर की भूमिका को दोबारा दोहराने की सूचना मिली थी छैन उन्नीस मई 2015 को डेडलाइन ने बताया कि एडवर्ड ज्विक क्रूज के साथ दोबारा टीम बनाएंगे और फिल्म का निर्देशन करेंगे ज्विक ने मार्शल हर्स और रिचर्ड वेंग के साथ पटकथा लिखी ज्विक और क्रूज ने पहले द लास्ट समुराई पर एक साथ काम किया था ग्यारह चौदह अगस्त 2015 को कोबी स्मल्डर्स को मुख्य भूमिका निभाने के लिए कलाकारों में शामिल किया गया बारह 15 सितंबर को डेनिका यरोश ने फिल्म में अभिनय करने के लिए हस्ताक्षर किए तेरह सत्रह सितंबर को एल्डिस हॉज को कलाकारों में जोड़ा गया चौदह और बाईस सितंबर को पैट्रिक ह्यूसिंगर को खलनायक की भूमिका में लिया गया 15, 20 अक्टूबर को होल्ट मैकलनी और ऑस्टिन हेबर्ट फिल्म में शामिल हुए 16, 12 नवंबर 2015 को रॉबर्ट कैटरिनी शामिल हुए 17 और 20 जनवरी 2016 को रॉबर्ट केनपर को जनरल हार्कनेस एक सेवानिवृत्त जनरल और एक निजी सैन्य फर्म के सीईओ के रूप में चुना गया 18. फिल्मांकन फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2015 को न्यू ऑर्लियंस लुइसियाना में शुरू हुई 19, 23 नवंबर 2015 को बैटन रूज में फिल्मांकन हुआ इबीस और जनवरी 2016 में सेंट फ्रांसिसविले में भी फिल्मांकन हुआ 21 फिल्मांकन 30 जनवरी 2016 को पूरा हुआ रिलीज नाटे विमोचन 14 जून 2016 को एंटरटेनमेंट वीकली ने पहले ट्रेलर का पूर्वावलोकन प्रीमियर किया जिसमें कोबी स्मल्डर्स ने फुटेज पेश किया आधिकारिक जैक रीचर ट्विटर अकाउंट ने घोषणा की कि एक पूर्ण ट्रेलर 22 जून 2016 को जारी किया जाएगा उद्धरण वांछित उस फिल्म को बयावा देने के लिए जैक रीचर नेवर स्टॉप पंचिंग नामक एक ब्राउजर गेम भी जारी किया गया था 22. सितंबर 2015 में पैरामाउंट ने जैक रीचर नेवर गो बैक की रिलीज डेट 21 अक्टूबर 2016 तय की 23. होम मीडिया जैक रीचर नेवर गो बैक को 17 जनवरी 2017 को डिजिटल एच पर रिलीज किया गया था 24 और ब्लूरे अल्ट्रा एच डी ब्लूरे और डीवीडी पर 31 जनवरी 2017 को 25, 26 मई 2018 तक फ़िल्म ने घरेलू क्षेत्र की वीडियो बिक्री में 14.5 मिलियन डॉलर की कमाई की थी छो स्वागत बॉक्स ऑफिस जैक रीचर नेवर गो बैक ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में अट्ठावन मिलियन डॉलर और अन्य देशों में 103.4 मिलियन डॉलर की कमाई की जबकि दुनिया भर में इसकी कुल कमाई एक एक मिलियन डॉलर थी जबकि इसका उत्पादन बजट साठ छियानवे मिलियन था थ्री ट्वेंटी सेवन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फ़िल्म की शुरुआत ओइजा ओरिजिन ऑफ एविल कीपिंग अप विद द जोन्सिस बू के साथ हुई ए मैडिया एलोवीन और आई एम नॉट शेम्ड और इसके शुरुआती सप्ताहांत में तीन हज़ार सात सौ अस्सी थियेटरों से लगभग बीस मिलियन डॉलर की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था जबकि स्टूडियो को लगभग सत्रह मिलियन डॉलर की कमाई की उम्मीद थी अट्ठाईस एक हज़ार आठ सौ पचास में आधी रात के प्रदर्शन में इसने एक दशमलव तीन मिलियन डॉलर कमाए जो ओब्लिवियन के एक दशमलव एक मिलियन डॉलर से थोड़ा अधिक और एज ऑफ टुमारो के एक दशमलव आठ मिलियन डॉलर से थोड़ा अधिक है उनतीस सप्ताहांत में फिल्म ने तेईस मिलियन डॉलर की कमाई की और बू के बाद दूसरे स्थान पर रही एक मैडिया एलोवीन तीस इकतीस अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म अट्ठावन दशमलव दो परसेंट गिरकर नौ दशमलव छह मिलियन डॉलर की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही ए मैडिया एलोवीन सोलह दशमलव सात मिलियन डॉलर और नवागंतुक इन्फर्नो पंद्रह मिलियन डॉलर के बाद 32. उत्तरी अमेरिका के बाहर फिल्म को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की शुरुआत के साथ बयालीस देशों में रिलीज किया गया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म के कुल बाज़ार का लगभग 75 परसेंट प्रतिनिधित्व करता है 33 उनमें से 30 बाज़ारों में फिल्म ने पहली रीचर फिल्म की तुलना में बड़ी शुरुआत की और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड 3.3 मिलियन डॉलर फ्रांस 2.8 मिलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया 2 डॉलर में सप्ताह की शीर्ष फिल्म ओपनिंग दर्ज की मिलियन रूस दो मिलियन डॉलर इंडोनेशिया एक दशमलव नौ मिलियन डॉलर ताइवान एक दशमलव छः मिलियन डॉलर और संयुक्त अरब अमीरात एक दशमलव तीन मिलियन डॉलर थर्टी थ्री आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को दो समीक्षाओं के आधार पर सैंतीस की अनुमोदन रेटिंग मिली है जिसकी औसत रेटिंग पांच डॉट दो दस वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है नीरस रूप से फार्मूलाबद्ध जैक रीचर नेवर गो बैक एक एक्शन थ्रिलर सीक्वल है जिसका शीर्षक एक चेतावनी के रूप में भी काम करता है 34 मेटाक्रिटिक पर फिल्म को तैंतालीस आलोचकों के आधार पर 100 में से सैंतालीस औसत अंक प्राप्त हुए हैं, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है पैंतीस सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से एफ पैमाने पर बी प्लस का औसत ग्रेड दिया जबकि पहली फिल्म को ए प्राप्त हुआ थर्टी सिक्स रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रैवर्स ने लिखा स्टार इस संतोषजनक सीक्वल में लेखक ली चिल्स के एक क्षणलिट पूर्व सैन्य नायक को चपलता क्रोध और त्वरित बुद्धि देता है ट्रैवर्स का कहना है कि क्रूज किताबों में वर्णित चरित्र से बहुत अलग है और आलोचकों को इससे उबरने की जरूरत है और कहते हैं क्रूज को अपनी आंखों में रीचर का मूल पता चलता है एक प्रेतवाधित नज़र से पता चलता है कि यह अकेला भेड़िया अभी भी एक मिशन पर है और अभी भी घर से बहुत दूर है रीचर ली चाइल्ड ने अपनी किताबों में यही लिखा है और क्रूज को उस पर गर्व है 37. द हॉलीवुड रिपोर्टर के टॉड मैककार्थी ने इसे पहले रीचर फीचर से एक उल्लेखनीय गिरावट कहा और कहा कि संख्याओं के आधार पर साजिश रचने एक्शन से पहले देखी गई सभी चालें साधारण स्थान और बड़े पैमाने पर गुमनाम कलाकारों के साथ स्टार इसे कम किराए वाला एहसास देते हैं अड़तीस वेराइटी के पीटर डिब्रूज ने लिखा ज्विक मुश्किल से हमारे उत्साह को गुदगुदाने में कामयाब होता है न्यू ऑर्लियंस हेलोवीन परेड के बीच चरम प्रदर्शन तक इंतजार कर रहा है ताकि एक ऐसा अनुक्रम पेश किया जा सके जो वैध रूप से यादगार के रूप में दर्ज हो सके थर्टी नाइन भविष्य मुख्य लेख रीचर टीवी श्रृंखला टेलीविजन श्रृंखला नेवर गो बैक के मिश्रित आलोचनात्मक स्वागत के बाद तीसरी किस्त की योजना में देरी हुई जबकि अमेजन प्राइम एक्सक्लूसिव टेलीविजन श्रृंखला के रूप में रीबूट की घोषणा की गई थी चालीस चार फरवरी 2022 को अमेजन प्राइम पर रीचर की आठ एपिसोड की श्रृंखला जारी की गई जिसमें एलन रिचसन मुख्य भूमिका में थे यह श्रृंखला चाइल्ड के पहले उपन्यास किलिंग फ्लोर पर आधारित है 41. संभावित सीक्वल फिल्म जुलाई 2020 में क्रिस्टोफर मैकक्वेरी ने कहा कि क्रूज और वह मुख्य चरित्र वाली अतिरिक्त फिल्मों के विकास पर काम कर रहे थे तीसरी फ़िल्म की योजनाओं में गहरे विषय शामिल थे श्रृंखला की भविष्य की फिल्मों को आर रेटेड बनाने का इरादा था फिल्म निर्माता ने बाद की तारीख में श्रृंखला की वापसी की संभावना को स्वीकार करते हुए कहा कि फ्रैंचाइजी आगे बढ़ गई है हम नहीं संदर्भ. मार्शल श्रेबर हर्सकोविच जन्म तेईस फरवरी उन्नीस सौ बावन ये एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक लेखक और निर्माता है और वर्तमान में प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के एमेरिटस अध्यक्ष है उनकी प्रस्तुतियों में ट्रैफिक द लास्ट समुराई ब्लड डायमंड और आई एम सैम शामिल है हर्सकोविच ने दो फीचर फिल्मों जैक द बियर और डेंजरस ब्यूटी का निर्देशन किया है हर्स्कोविच टेलीविजन शो थर्टी समथिंग माई सोकॉल्ड लाइफ और वंस एंड अगेन के निर्माता और कार्यकारी निर्माता थे और उन्होंने तीनों श्रृंखलाओं के कई एपिसोड भी लिखे और निर्देशित किए जीवन और कैरियर हर्स्कोविच का जन्म फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में हुआ था जो फ्रीडा नीश्रेईबर और अलेक्जेंडर हर्स्कोविच के पुत्र थे एक उनका परिवार यहूदी है छ उनकी शादी 1981 से 1993 तक पटकथा लेखक सुसान शिलिडे से हुई थी उनकी दो बेटियां हैं हर्स्कोविच ने 2015 में लैंड्री मेजर से शादी की हर्स्कोविच लंबे समय से फिल्म उद्योग के सबसे सक्रिय और भावुक पर्यावरणविदों में से एक रहे हैं तीन वह द क्लाइमेट मोबिलाइजेशन के सलाहकार बोर्ड में कार्यरत है जो एक जमीनी स्तर का वक़ालत समूह है जो 100 परसेंट स्वच्छ ऊर्जा और शुद्ध शून्य के लक्ष्य के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घरेलू स्तर पर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ राष्ट्रीय आर्थिक लामबंदी का आह्वान करता है 2025 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 4. पुरस्कार 30 समथिंग ने कई प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीते जिसमें 1988 में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज भी शामिल है उस वर्ष इसने एक एपिसोड के लिए ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लेखन का पुरस्कार भी जीता जिसे हर्स्कोविच्च ने पॉल एगिस के साथ सह लिखा था इस शो को उस वर्ष गोल्डन ग्लोब्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज़ का पुरस्कार भी मिला हर्स्कोविच्च को श्रृंखला में उनके काम के लिए राइटर्स गिल्ड और डायरेक्टर्स गिल्ड दोनों द्वारा सम्मानित किया गया था ट्रैफिक को 2001 में तिहत्तरवें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामांकित किया गया था वंस एंड अगेन को गोल्डन ग्लोब्स में उन्नीस की सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज के लिए नामांकित किया गया था फिल्मोग्राफी जेम्स डोवर ग्रांट एक सीबीई जन्म 29 अक्टूबर उन्नीस जिन्हें मुख्य रूप से उनके उपनाम चाइल्ड से जाना जाता है एक ब्रिटिश लेखक है जो थ्रिलर उपन्यास लिखते हैं और अपनी जैक रीचर उपन्यास श्रृंखला के लिए जाने जाते हैं दो किताबें एक पूर्व अमेरिकी सैन्य पुलिसकर्मी जैक रीचर के कारनामों का वर्णन करती है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में घूमता है उनके पहले उपन्यास किलिंग फ्लोर उन्नीस सौ सत्तानवे ने एंथोनी पुरस्कार और उन्नीस सौ अट्ठानवे में सर्वश्रेष्ठ प्रथम उपन्यास के लिए बैरी पुरस्कार दोनों जीते थ्री फोर प्रारंभिक जीवन और शिक्षा ग्रांट का जन्म कोवेंट्री में हुआ था पांच उनके उत्तरी आयरिश पिता जिनका जन्म बेलफास्ट में हुआ था एक सिविल सेवक थे जो उस घर में रहते थे जहां बाद में गायक वान मॉरिसन का जन्म हुआ था छत वो वह चार बेटों में से दूसरा है आठ उनके छोटे भाई एंड्रयू ग्रांट भी एक थ्रिलर उपन्यासकार है जब ग्रांट चार साल के थे तो उनका परिवार बर्मिंगहम के है एंडसवर्थवुड में स्थानांतरित हो गया ताकि लड़कों को बेहतर शिक्षा मिल सके नौ ग्रांट ने ग्यारह साल की उम्र तक एनसवर्थवुड में चेरी ऑर्चर्ड प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की उन्होंने किंग एडवर्ड स्कूल बर्मिंगहम में पढ़ाई की छीस सौ में बीस साल की उम्र में ग्रांट ने शेफील्ड विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की ग्यारह हालांकि उनका कानूनी पेशे में प्रवेश करने का कोई इरादा नहीं था और अपने छात्र दिनों के दौरान उन्होंने एक थिएटर में मंच के पीछे काम किया साथ उस स्नातक होने के बाद उन्होंने व्यावसायिक टेलीविज़न में काम किया ग्यारह उन्होंने 1977 में शेफील्ड विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक एलएलबी की डिग्री प्राप्त की और 2009 में डॉक्टर ऑफ लेटर्स डीलिट की मानद उपाधि प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय लौट आए छ्वाव कैरियर टेलीविजन प्रोडक्शन करियर बाउचरकॉन एक सेल में अनुदान 2009. ग्रांट एक प्रेजेंटेशन डायरेक्टर के रूप में मैनचेस्टर में यूके के आईटीवी नेटवर्क के हिस्से ग्रेनाडा टेलीविजन में शामिल हो गए तेरह वो वहां वह ब्रिजेशेड रिविजिटेड द ज्वेल इन द क्राउन प्राइम सस्पेक्ट और क्रैकर सहित शो में शामिल थे ग्रांट ग्रेनाडा के लिए चालीस हजार घंटे से अधिक की प्रोग्रामिंग के प्रसारण हजारों विज्ञापनों और समाचारों को लिखने में शामिल था चौदह उन्होंने 1977 से उन्नीस तक ग्रेनाडा में काम किया सात और वहां ट्रेड यूनियन शॉप के प्रबंधक के रूप में दो साल के साथ अपना करियर समाप्त किया फिफ्टीन लेखन कैरियर कॉरपोरेट पुनर्गठन के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद तेरह ग्रांट ने उपन्यास लिखना शुरू करने का फैसला किया यह कहते हुए कि वे मनोरंजन का सबसे शुद्ध रूप ए सोलह उन्नीस सौ सत्तानवे में उनका पहला उपन्यास किलिंग फ्लोर प्रकाशित हुआ था चाइल्ड संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया जहां उसने एक न्यूयॉर्कर से शादी की ग्यारह वह श्रृंखला की प्रत्येक नई किताब अपनी नौकरी खोने के बाद पहली किताब शुरू करने की सालगिरह पर शुरू करते हैं 17. उनका उपनाम ली रेनॉल्ड की लेकार के नाम के गलत उच्चारण ली कार से आया है किसी भी चीज को ली कहना एक पारिवारिक झूठ बन गया उनकी बेटी रूथ ली चाइल्ड थी 18. क्राइम फिक्शन के दिग्गज रेमंड चांडलर और अगाथा क्रिस्टी के बीच उनकी किताबों को किताबों की दुकान और लाइब्रेरी की अलमारियों पर वर्णानुक्रम में रखने का नाम का फ़ायदा है ग्रांट ने कहा है कि जब वह अपनी पत्नी जेन के साथ किराने की खरीदारी कर रहे थे तब उन्हें अपने उपन्यासों में केंद्रीय चरित्र के लिए रीचर नाम मिला ग्रांट के कद के कारण अक्सर लोग उनसे ऊंचे शेल्फ से उनके लिए कुछ लाने के लिए कहते हैं जेन ने एक बार मजाक किया था अरे अगर यह लिखने वाली चीज सफल नहीं होती है तो आप हमेशा सुपरमार्केट में पहुंच वाले व्यक्ति बन सकते हैं मैंने सोचा रीचर अच्छा नाम है सेवन जैक रीचर श्रृंखला की कुछ पुस्तकें पहले व्यक्ति में लिखी गई है जबकि अन्य तीसरे व्यक्ति में लिखी गई है ग्रांट ने किताबों को बदले की कहानियों के रूप में चित्रित किया है कोई बहुत बुरा काम करता है और रीचर बदला लेता है ग्रेनाडा में आकार घटाने पर उसके गुस्से से प्रेरित अंग्रेज़ी होते हुए भी उन्होंने जानबूझकर अमेरिकी शैली की थ्रिलर लिखना चुना तेरह दो में ग्रांट ने चौदह अन्य लेखकों के साथ मिलकर सत्रह भाग की धारावाहिक थ्रिलर द चोपिन पांडुलिपि बनाई जिसे अल्फ़्रेड मोलिना ने सुनाया था इसे 25 सितंबर 2007 और 13 नवंबर 2007 के बीच ऑडिबल डॉट कॉम पर साप्ताहिक रूप से प्रसारित किया गया था ग्रांट ने नवंबर 2008 से शेफील्ड विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम किया 2009 में ग्रांट ने विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए बावन जैक रीचर छात्रवृत्ति को वित्त पोषित किया 19 ग्रांट को 2009 में मिस्ट्री राइटर्स ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष चुना गया था 20 ग्रांट 2018 में थेकस्टेंस ओल्ड पेकुलियर क्राइम राइटिंग फेस्टिवल के लिए प्रोग्रामिंग चेयर थे जो एरोगेट इंटरनेशनल फेस्टिवल्स पोर्टफोलियो का हिस्सा था ट्वेंटी वन में यह घोषणा की गई थी कि चाइल्ड ली चाइल्ड ट्रू क्राइम नामक एक नए टीवी शो का संचालन करेगा यह शो दुनिया भर की वास्तविक जीवन की अपराध कहानियों का नाटकीयकरण करेगा और उन औसत लोगों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो अपराध से लड़ने या न्याय पाने के लिए असाधारण हद तक जाते हैं जनवरी 2020 में चाइल्ड ने घोषणा की कि वह जैक रीचर श्रृंखला लिखने से सेवानिवृत्त हो जाएगा और इसे अपने भाई एंड्रयू ग्रांट को सौंप देगा जो उपनाम चाइल्ड के तहत श्रृंखला की आगे की किताबें लिखेंगे तेईस श्रृंखला पूरी तरह से उन्हें सौंपने से पहले उनका इरादा ग्रांट के साथ मिलकर अगली कुछ किताबें लिखने का था 24. लेखन शैली ग्रांट के गदे को शैली में हार्ड हार्डबोइल्ड और व्यावसायिक के रूप में वर्णित किया गया है 2012 के एक साक्षात्कार में सुझाव दिया गया कि जैक रीचर उपन्यासों के कई पहलुओं का उद्देश्य साहित्यिक कारणों के बजाय जानबूझकर पुस्तकों की लाभप्रदता बनाए रखना था उदाहरण के लिए जैक रीचर के माता पिता में से एक को फ्रांसीसी बनाने का सुझाव आंशिक रूप से इसलिए दिया गया था क्योंकि रीचर के परिवार में केवल अमेरिकी सदस्यों की उपस्थिति फ़्रांस में श्रृंखला की अपील को सीमित कर देगी उसी साक्षात्कार में कहा गया कि ग्रांथ ने अपने उपन्यास की व्यावसायिक प्रकृति के बारे में माफी नहीं मांगी 25. चाइल्ड ने रीचर श्रृंखला पर प्रभाव के रूप में जॉन डी मैकडोनाल्ड एलिस्टेयर मैकलीन और रॉबर्ट बी पार्कर को सूचीबद्ध किया है 26. अन्य गतिविधियां 2019 में चाइल्ड ने नेकेड ब्लू समूह के संगीतकार जेनिफर और स्कॉट स्मिथ के साथ गीत में जैक रीचर की खोज करने वाले संगीत के एक एल्बम में सहयोग किया उन्होंने रीचर सेड नथिंग ट्रैक में गायन का योगदान दिया 27 2020 में चाइल्ड मार्गरेट बुस्बी अध्यक्ष समीर रहीम लेमन सिस्से और एमिली विल्सन के साथ बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल हुए नेवर गो बैक ली चाइल्ड द्वारा लिखित जैक रीचर श्रृंखला की अठारहवीं पुस्तक है। एक यह 3 सितंबर 2013 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित हुआ था दो यह पुस्तक इकसठ आवर्स वर्थ डाइंग फोर और ए वांटेड मैन उपन्यासों में शामिल कहानी को जारी रखती है यह उपन्यास जैक रीचर के अधिकांश उपन्यासों की तरह तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से वर्णित है कथानक वाशिंगटन डीसी के बाहर एक मोतल में पूर्व सेना पुलिसकर्मी जैक रीचर का सामना दो लोगों से होता है जो उसे अपनी सेना इकाई को बदनाम करने के लिए अपमानजनक कहते हैं और उसे शहर छोड़ने का आदेश देते हैं रीचर ने मना कर दिया और उन्हें लड़ाई में अपने वश में कर लिया इससे पहले उसी दिन रीचर अपनी पुरानी इकाई एक सौ दसवीं एमपी विशेष जांच इकाई के मुख्यालय में अपने कमांडर मेजर सुसान टर्नर से मिलने के लिए पहुंचे थे हालांकि, जब वह आता है तो उसे पता चलता है कि टर्नर को कमान से मुक्त कर दिया गया है उनके प्रतिस्थापन कर्नल मोर्गन का कहना है कि रीचर की दो मामलों में जांच चल रही है लगभग सोलह साल पुरानी एक संदिग्ध हत्या और कैंडिस डेटन द्वारा दायर एक मुकदमा एक महिला जिसने आरोप लगाया था कि जब रीचर दक्षिण में तैनात था तब उसके और रीचर के बीच संबंध थे कोरिया और वह उसकी चौदह वर्षीय बेटी सामंथा का पिता है जब रीचर बताता है कि उसकी नागरिक स्थिति के कारण सेना के पास उसकी जांच करने का कोई अधिकार नहीं है तो मोर्गन उसे एक अधिकारी के रूप में बहाल करता है और उसे एक स्थानीय मोतल में एक कमरा देता है जहां उस रात बाद में लड़ाई होती है यह जानकर कि टर्नर को रिश्वत लेने के संदेह में जेल में डाल दिया गया है रीचर उससे मिलने जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि उसने अनुरोध किया है कि उसे उससे मिलने की अनुमति न दी जाए अगली सुबह रीचर अपने वकीलों मेजर हेलेन सुलिवन और कैप्टन ट्रेसी एडमंड से मिलता है और दोनों मामलों के बारे में और अधिक सीखता है वह तर्नर के वकील कर्नल मूरक्रॉफ्ट से उसे हिरासत से रिहा कराने के लिए भी कहता है पुलिस मुख्यालय में लौटकर रीचर को पता चला कि मोर्गन कहीं नहीं मिला है और अफगानिस्तान में ड्यूटी पर तैनात एक टीम के दो लोग लापता हो गए हैं। रीचर एक अधिकारी के रूप में अपने अधिकार का उपयोग करके उनकी खोज का आदेश देता है मॉर्गन को शर्मिंदा करता है और खुद को मुख्यालय में पैर रखने या कोई और आदेश जारी करने से प्रतिबंधित कर देता है वारंट अधिकारी पीट एस्पिन के नेतृत्व में पचहत्तरवें एमपी की पुलिस ने बाद में उसे हिरासत में ले लिया और उसी जेल में ले आई जहां टर्नर को रखा गया है मूरक्रॉफ्ट को बुरी तरह पीटा गया है और रीचर को मुख्य संदिग्ध माना गया है रीचर टर्नर के आने तक समय लेने के लिए सुलिवन के साथ एक बैठक की व्यवस्था करता है और फिर सुलिवन की आईडी चुराकर और टर्नर को देकर भागने की योजना बनाता है दोनों उसकी कार ढूंढते हैं और निकल जाते हैं लेकिन मेत्रो पुलिस ने उन्हें रोक लिया और अंत में अपनी सवारी छोड़कर बेरीविले की ओर भाग गए जहां रीचर ने टर्नर को सूचित किया कि अफगानिस्तान में उसके लोगों की हत्या कर दी गई थी और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को किसी तरह से छिपाने के लिए गरा गया था अवैध गतिविधि का खुद को अजीब लोगों द्वारा ट्रैक किए जाने पर उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया में सवारी की रीचर ने क्लॉटन नाम के एक मृत मेथ डीलर से पैसे और एक कार चुराई लेकिन उसके रिश्तेदारों ने कार की पहचान की रीचर और टर्नर के मोतल का पता लगाया और उनका सामना किया रीचर उन्हें पीछे हटने के लिए डराता है और उनका एक ट्रक ले लेता है टर्नर का कहना है कि अफगानिस्तान में मिशन एक पश्तून बुजुर्ग से जुड़ा था जिसे बाद में एमल जादरान के रूप में पहचाना गया और सिद्धांत है कि मोर्गन अजीब आदमी और सेना की कमान श्रृंखला में कुछ उच्च अधिकारी जो छद्म नाम रोमियो और जूलियट का उपयोग कर रहे हैं ए, ए, उसकी सुरक्षा के लिए मिलकर काम कर रहे हैं वह इस बात पर भी जोर देती है कि डेटन से निपटने के लिए रीचर लॉस एंजिल्स जाए वे सामंथा का पता लगाते हैं लेकिन एस्पिन ने बाद में पुष्टि की कि पितृत्व का दावा फ़र्जी है क्योंकि उन्हें पता चला कि रोमियो नाम के किसी व्यक्ति ने एक कुटिल एले वकील से गलत जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया था और कैंडे से डॉलर एक सौ के लिए उस पर हस्ताक्षर कराया था सुलीवन को यह भी पता चला कि हत्या का आरोप भी फर्जी था जिससे रीचर किसी भी संभावित कानूनी परिणाम से बच गया एडमंड्स के माध्यम से रीचर और टर्नर को पता चलता है कि क्रूस कली और गेब्रियल मोंटेग दोनों डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ के नियंत्रण में उत्तरी कैरोलिना में फोर्ट ब्रैग सेना बेस के माध्यम से एक अवैध ऑपरेशन चलाया जा रहा था जिसमें खाली आयुध बक्सों का उपयोग करके प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी शामिल थी रीचर मॉर्गन और स्टाफ सार्जेंट की व्यवस्था करता है एजराश्रागो गिरफ्तार किए जाने वाले तस्करों में से एक है और जॉर्जटाउन के डोव कॉटेज में स्कली और मोन्टेक का पता लगाता है जो स्कली और मोनाटेक के स्वामित्व वाला एक निजी क्लब है जहां दोनों व्यक्ति गिरफ्तार होने के बजाय आत्महत्या करना चुनते हैं मोर्गन और श्रागो ने खुलासा किया कि जादरान उनके मालिकों को अफीम की आपूर्ति कर रहा था और टर्नर का नाम साफ़ कर दिया गया जिससे उसे कमान फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई वे अलग हो जाते हैं और रीचर अपना फ़ोन कूड़ेदान में फेंक देता है और अगली बस की प्रतीक्षा में एक बेंच पर अकेला बैठ जाता है आलोचनात्मक स्वागत द न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखते हुए जेनेट मसलिन ने कहा कि यह पुस्तक श्रृंखला में पढ़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ रेगिस्तानी द्वीप हो सकती है यह असाधारण रूप से अच्छी तरह से लिखी गई है और जंगली आश्चर्यों से भरी हुई है और रीचर की अजीब प्रकृति के बारे में बुद्धिमान ए और सकारात्मक रूप से इसकी प्रशंसा में बनीने स्क रीचर विद्या में योगदान फिल्म रूपांतरण पैरामाउंट पिक्चर्स और स्काई डांस मीडिया ने 2012 की फिल्म जैक रीचर की अगली कड़ी के रूप में 2016 की फिल्म रूपांतरण जैक रीचर नेवर गो बैक का निर्माण किया यह फिल्म एडवर्ड जुविक द्वारा लिखी और निर्देशित की गई थी और इसमें टॉम क्रूज ने रीचर की अपनी भूमिका को दोहराया था 4. जैकोबा फ्रांसिस्का मारिया कोबी स्मल्डर्स एक जन्म तीन अप्रैल उन्नीस सौ बयासी दो एक कनाडाई अभिनेत्री है उन्हें सीबीएस सिटकॉम हाउ आई मेट योर मदर 2005 से 2014 में रॉबिन शेरबाद्स्की के रूप में और फिल्म द एवेंजर्स 2012 से शुरू होने वाली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सुपरहीरो फ्रेंचाइजी में शील्ड एजेंट मारिया हिल के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है स्मल्डर्स की अन्य फिल्मों में सेफ हेवन 2013, द लेगो मूवी 2014, रिजल्ट्स 2015, द इंटरवेंशन 2016, जैक रीचर नेवर गो बैक 2016 और द लेगो मूवी दो द सेकेंड पार्ट 2019 शामिल है उन्होंने नेटफ्लिक्स कॉमेडी ड्रामा सीरीज ए सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स 2017 नेटफ्लिक्स कॉमेडी सीरीज फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज 2017 से 2019 एबीसी क्राइम ड्रामा सीरीज स्टम्पटाउन 2019 से 2020 और एफेक्स ट्रू क्राइम सीरीज इम्पीचमेंट में भी अभिनय किया अमेरिकन क्राइम स्टोरी 2021 स्मल्डर्स ने 2010 में नोरा एफ्रोन के नाटक लव लॉस और वहाट आई वोर के ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन में थियेटर में अपनी शुरुआत की इसके बाद उन्होंने नोएल कावर्ड कॉमेडी प्रेजेंट लाफ्टर 2017 के पुनरुद्धार में ब्रॉडवे में अपनी शुरुआत की और थियेटर वर्ल्ड में कमाई की पुरस्कार प्रारंभिक जीवन और शिक्षा स्मल्डर्स का जन्म वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में एक डच पिता और एक ब्रिटिश मां के घर हुआ था उनका पालन पोषण व्हाइट रॉक ब्रिटिश कोलंबिया में हुआ और बाद में वे लॉर्ड बिंग सेकेंडरी स्कूल में हाई स्कूल में दाखिला लेने के लिए समृद्ध वेस्ट पॉइंट ग्रे पड़ोस में चली गईं उनका नाम उनकी बड़ी चाची के नाम पर रखा गया था जिनसे उन्हें कोबी उपनाम मिला तीन स्मल्डर्स खुद को फ्रेंच का एक धारा प्रवाह श्रोता बताते हैं अचार उनकी चार बहनें हैं पांच स्मल्डर्स एक बच्चे के रूप में कनाडा की गर्ल गाइड्स की सदस्य भी थीं उन्होंने ब्राउनी सात से दस साल के बच्चों के लिए गर्ल गाइड कार्यक्रम के रूप में भाग लिया था अपनी युवावस्था में स्मल्डर्स एक समुद्री जीव विज्ञानी बनने की इच्छा रखती थीं। चार यू उन्होंने पूरे हाई स्कूल के दौरान थिएटर में रुचि ली और अभिनय में लौटने से पहले कुछ समय के लिए विक्टोरिया विश्वविद्यालय में अध्ययन किया फॉर मॉलिंग स्मल्डर्स ने मॉडलिंग में काम किया जिसके बारे में उन्होंने बाद में कहा कि उन्हें एक तरह से नफरत थी उन्होंने आगे कहा कि इस अनुभव ने उन्हें अभिनय को करियर के रूप में अपनाने में झिझक पैदा कर दी आप जानते हैं आप इन कमरों में जाते हैं और मुझे लोगों को जज करने का अनुभव है आप शारीरिक रूप से इतने लंबे समय तक थे और मैं उस पर था लेकिन फिर यह ऐसा था अरे नहीं मुझे वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करना है और मुझे आवाज़ उठानी है और मुझे ऐसा करना होगा अब विचार सेवन कैरियर 2002 से 2016 प्रारंभिक भूमिकाएं और सफलताएं एक श्यामला महिला मुस्कुराती है 2008 में सीबीएस कार्यक्रम में स्मल्डर्स स्मल्डर्स ने अपने पेशेवर अभिनय की शुरुआत 2002 में यूपीएन कथा कॉमेडी श्रृंखला स्पेशल यूनिट दो और शोटाइम कथा नाटक श्रृंखला जेरेमिया में अतिथि भूमिका के साथ की बाद में उन्होंने टेलीविज़न पर कई प्रस्तुतियां दीं जिनमें फॉक्स अलौकिक ड्रामा सीरीज ट्रू कॉलिंग दो हज़ार डब्ल्यूबी सुपरहीरो सीरीज स्मॉलविले दो और ग्लोबल स्पेस ओपेरा सीरीज एंड्रोमेडा 2005 शामिल है नियमित श्रृंखला के रूप में स्मल्डर्स की पहली भूमिका अल्पकालिक 2003 एबीसी साहसिक नाटक श्रृंखला वेरिटास द क्वेस्ट में थी जो एक सीजन तक चली उन्होंने 2004 में एक्शन फिल्म वॉकिंग टॉल में सहायक भूमिका के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की इसके बाद 2005 की कॉमेडी फ़िल्म द लॉन्ग वीकेंड में उनकी सहायक भूमिका थी उसी वर्ष शोटाइम ड्रामा सीरीज द एल वर्द में लेक ओस्टिन के रूप में उनकी आवर्ती भूमिका थी 2005 में स्मल्दर्स को सीबीएस सिटकॉम हाउ आई मेट योर मदर में टेलीविजन रिपोर्टर और पूर्व किशोर पॉप स्टार रॉबिन शेरबात्सकी के रूप में चुना गया था यह श्रृंखला नौ सीजन के बाद 2014 में समाप्त हुई और अपने पूरे दौर में 10 एमी पुरस्कार जीते आठ वो अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें व्यापक पहचान मिली और पीपुल्स च्वाइस अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त हुआ नौ 2009 में वह कॉमेडी फिल्म द स्लैमिन सेलमन में दिखाई दीं इसके बाद वह एचबीओ कॉमेडी ड्रामा सीरीज हाउ टू मेक इट इन अमेरिका के 2010 के पायलट एपिसोड में दिखाई दीं जून 2010 में स्मल्डर्स ने वेस्टसाइड थिएटर में डेलिया और नोरा एफ्रोन के नाटक लव लॉस एंड आई टाईवोर में अपना ऑफ ब्रॉडवे डेब्यू किया दस उन्होंने 2012 की राजनीतिक कॉमेडी फिल्म ग्रासरूट्स में अभिनय किया 2012 की सुपरहीरो एक्शन फिल्म द एवेंजर्स से शुरुआत करते हुए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फ्रेंचाइज में शील्ड एजेंट मारिया हिल के रूप में अभिनय करने के लिए स्मल्डर्स को और अधिक पहचान मिली चरित्र को चित्रित करने के लिए बंदूकें चलाने के लिए उन्होंने लॉस एंजिल्स स्वाट टीम ट्रेनर से प्रशिक्षण प्राप्त किया ग्यारह उस स्मल्डर्स ने एबीसी सुपरहीरो टेलीविजन श्रृंखला एजेंट्स ऑफ शील्ड दो से दो हजार और कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर 2014, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015, फिल्मों के तीन एपिसोड में भूमिका दोहराई एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018, एवेंजर्स एंडगेम दो और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम 2019 हजार तेरह ए चौदह दो में वह कॉमेडी श्रृंखला कॉमेडी बैंक के एक एपिसोड में दिखाई दी टकराना स्मल्डर्स ने रोमांटिक ड्रामा सेफ हेवन 2013, कॉमेडी ड्रामा डिलीवरी मैन 2013 और रोमांटिक कॉमेडी दे केम टुगेदर 2014 में भी अभिनय किया 15. स्मल्डर्स ने 2014 की एनिमेटेड फ़िल्म द लेगो मूवी में वंडर वुमन के लेगो संस्करण को आवाज़ दी यह पहली बार था जब वंडर वुमन चरित्र को नाटकीय फिल्म में प्रदर्शित किया गया था सिक्सटीन जुलाई 2015 में बताया गया कि उन्होंने टेलीविजन फिल्म कन्फर्मेशन से बाहर कर दिया है क्योंकि उनका पैर टूट गया था उसके बाद हेरियट ग्रांट की भूमिका में उनकी जगह जो लिस्टर जोन्स को लेने की पुष्टि की गई सत्रह 2015 में स्मल्दर्स ने ड्रामा फिल्म अनएक्सपेक्टेड और रोमांटिक कॉमेडी रिजल्ट्स में अभिनय किया वह डॉक्यूमेंट्री फिल्म बीइंग कैनेडियन में भी दिखाई दी और नील पैट्रिक एरिस के साथ एनबीसी किस्म की श्रृंखला बेस्ट टाइम एवर में अतिथि भूमिका निभाई 2016 में वह कॉमेडी ड्रामा द इंटरवेंशन में मेलानी लिंक्स की नताशा लियोन और आलिया शौकत के साथ साथ एक्शन एडवेंचर फिल्म जैक रीचर नेवर गो बैक में दिखाई दी जो बाद में टॉम क्रूज के साथ थी स्मल्दर्स की एचबीओ एनिमेटेड सीरीज एनिमल्स 2016 और पीबीएस किड्स एनिमेटेड सीरीज नेचर कैट 2017 से 2018 में अतिथि आवाज की भूमिकाएं थी दो शू ने एक साथ वर्तमान ब्रॉडवे डेब्यू और अन्य भूमिकाएं 2017 में उन्होंने केविन क्लाइन के साथ नोएल कावर्ड की कॉमेडी प्रेजेंट लाफ्टर के पुनरुद्धार में जोआना लिपियाट की भूमिका निभाते हुए अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया वैराइटी के मर्लिन स्टासियो ने भूमिका लिखते हुए स्मल्डर्स की प्रशंसा की स्मल्डर्स की भूमिका में एक सुंदर, कायरतापूर्ण माहौल है और सुसान हिलफर्टी की वेशभूषा और भी शानदार लगती है अठारह द हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड रूनी ने लिखा स्मल्डर्स सनसनीखेज दिखती है वह तीस के दशक के उत्तरार्ध की सुंदरता का प्रतीक है वह खुद को शिष्टता और आश्वासन के साथ पेश करती है उन्नीस उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें उत्कृष्ट ब्रॉडवे डेब्यू के लिए थिएटर वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया उनके प्रदर्शन को शानदार प्रदर्शन के साथ फिल्माया गया और पीबीएस पर दिखाया गया 20. इसके अलावा 2017 में उन्होंने इसी नाम की पुस्तक श्रृंखला पर आधारित नेटफ्लिक्स ब्लैक कॉमेडी ड्रामा सीरीज ए सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स में मदर के आवर्ती चरित्र को चित्रित किया जिसे मिसेज क्वाग्मायर के नाम से भी जाना जाता है इक्कीस उसी वर्ष वह कॉमेडी फिल्मों लिटरली राइट बिफोर आरोन और किलिंग गुंथर में दिखाई दीं 2017 से 2019 तक उन्होंने नेटफ्लिक्स कॉमेडी श्रृंखला फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज में लिसा टर्नर की मुख्य भूमिका में अभिनय किया 22 2018 में उन्होंने कॉमेडी ड्रामा फ़िल्म सोंगबर्द में जोआन स्काई की मुख्य भूमिका निभाई जिसे वैकल्पिक रूप से ऑलराइट नाउ भी कहा गया फिल्म को सुधारा गया और पांच दिनों के दौरान शूट किया गया तेईस इसके बाद उन्होंने 2019 की एनिमेटेड सीक्वल फिल्म द लेगो मूवी दो द सेकेंड पार्ट में वंडर वुमन के रूप में अपनी भूमिका दोहराई एक श्यामला महिला मुस्कुराती है 2019 हजार उन्नीस सैन डियेगो कॉमिकॉन में स्मल्डर्स 2019 में उन्होंने नेटफ्लिक्स सिटकॉम अरेस्टेड डेवलपमेंट के तीन एपिसोड में यंग ल्यूसिले ब्लथ के रूप में अतिथि भूमिका निभाई और एचबीओ एंथोलॉजी श्रृंखला रूम 104 के एक एपिसोड में दिखाई दीं उन्होंने एबीसी क्राइम ड्रामा सीरीज स्टम्पटाउन में पीटीएसटी से पीड़ित सैन्य अनुभवी डेक्सड्रेन डेक्स पेरियोस के रूप में भी अभिनय किया जो निजी जासूस बन गई जिसका प्रीमियर पच्चीस सितंबर दो को सकारात्मक समीक्षा के साथ हुआ चौबीस उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सुपरहीरो सीरीज नामांकन में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स च्वाइस सुपर अवार्ड मिला कोविड १९ महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण श्रृंखला को एक सीजन के बाद रद्द कर दिया गया था पच्चीस २०२० में स्मल्डर्स ने रोमांटिक ड्रामा फिल्म सिकाडा में अभिनय किया और फॉक्स एनिमेटेड सिटकॉम द सिम्पसंस में अतिथि भूमिका निभाई दो में उन्होंने एफेक्स ट्रू क्राइम एंथोलॉजी सीरीज इम्पीचमेंट अमेरिकन क्राइम स्टोरी में मीडिया पंडित एन कुल्टर की भूमिका निभाई जिसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली छब्बीस उ उसी वर्ष डिज्नी प्लस एनिमेटेड एंथोलॉजी श्रृंखला वहाटिफ में मारिया हिल के रूप में उनकी आवाज वाली भूमिका थी 2022 में उन्होंने एचआईएम हाँ वाएम स्पिन ऑफ हाउ आई मेट योर फादर के पहले सीजन के फिनाले में रॉबिन शेरबाद्सकी की अपनी भूमिका दोहराई जो हुलू पर प्रसारित हुआ 27 इसके अलावा 2022 में उन्होंने अमेजन फ्रीवी की आने वाली ड्रामा सीरीज हाई स्कूल में अभिनय किया जो टेगन और सारा के इसी नाम के 2019 के संस्मरण पर आधारित है 28 हजार में स्मल्डर्स ने मारिया हिल के रूप में अपनी भूमिका दोहराई डिज्नी चैनल की एनिमेटेड श्रृंखला मून गर्ल और डेविल डायनासोर में चरित्र को आवाज़ दी और डिज्नी प्लस सीमित श्रृंखला सीक्रेट इन्वेजन में दिखाई दी 29. नाइन चार साल पहले एक पारस्परिक मित्र की पार्टी में मिलने के बाद जनवरी 2009 में स्मल्डर्स ने तरन किल्लम से सगाई कर ली तीस उन्होंने आठ सितम्बर दो को सोलवांग कैलिफ़ोर्निया में शादी की इकतीस यह जोड़ा कैलिफ़ोर्निया के पैसिफ़िक पैलिसेडेस में रहता है बत्तीस व उनकी दो बेटियां हैं थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव दो हज़ार में स्मल्डर्स ने खुलासा किया कि उन्हें पच्चीस साल की उम्र में डिम्बग्रंथी के कैंसर का पता चला था जब 2007 में हाउ आई मेट योर मदर के सीजन तीन की शूटिंग की गई थी उनके अंडाशे से दो ट्यूमर को हटाने के लिए सर्जरी की गई थी लेकिन कैंसर उनके लिम्फ नोड्स में फैल गया था जिसके परिणामस्वरूप दो वर्षों के दौरान कई ऑपरेशनों की आवश्यकता पड़ी छत्तीस और सैंतीस अगस्त 2019 में स्मल्डर्स ने खुलासा किया कि वह छूट में है 38 2020 में स्मल्डर्स ने घोषणा की कि वह एक अमेरिकी नागरिक बन गई है जबकि उनकी कनाडाई नागरिकता अभी भी बरकरार है उन्होंने कहा कि अमेरिकी नागरिक बनने की उनकी प्रेरणा का एक हिस्सा 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के कारण था 39. वह वैंकूवर कैनक्स की प्रशंसक है 40. दान कार्य स्मल्डर्स ने 2014 में एक अंतर्राष्ट्रीय महासागर संरक्षण संगठन ओशियाना के साथ एक सार्वजनिक सेवा घोषणा को फिल्माया इकतालीस बयालीस मई 2020 में उन्होंने लेट्स गो टू द मॉल की पैरोडी करते हुए एक क्लिप जारी की एक गाना जिसमें उनके किरदार ने हाउ आई पर प्रदर्शन किया था जनता को कोविड 19 लॉकडाउन लागू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लेट्स ऑल स्टे एट होम शीर्षक से मेट योर मदर स्मल्डर्स ने महामारी के बीच प्रशंसकों को सेव द चिल्ड्रेन कनाडा हेल्प्स और डेली ब्रेड फूड बैंक को दान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया ओलिवर वुड 21 फरवरी 1942 से 13 फरवरी 2023 एक ब्रिटिश छायाकार थे एक उन्हें दो जो ब्लॉकबस्टर एक्शन और कॉमेडी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं दो जैसे डाई हार्ड दो फेस ऑफ फ्रीकी फ्राइडे तालेगा नाइट्स द बैलाड ऑफ रिकी बॉबी और बॉर्न फ्रेंचाइजी तीन उ उन्होंने पॉल ग्रीनग्रास जॉन वू रेनी हार्लिन रॉन अंडरवुर और एडम मैके जैसे निर्देशकों के साथ काम किया और उन्हें द बॉर्न अल्टीमेटम के लिए सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया फोर, जीवनी वुड का जन्म 21 फरवरी 1942 को लंदन में हुआ था पांच 19 साल की उम्र में वह न्यूयॉर्क शहर चले गए उन्हें पहला ब्रेक निर्देशक लियोनार्ड कैस्टल के लिए पंथ अपराध फिल्म द हनीमून किलर्स उन्नीस में मिला जहां उन्होंने डार्क कॉमेडी को न्यूजरी लुक देने के लिए उपलब्ध प्रकाश का उपयोग किया छह उन्होंने 1970 और 1980 के दशक के दौरान कई बी फिल्मों और स्वतंत्र फिल्मों की शूटिंग की अक्सर सिनेमेटोग्राफर जोसेफ मैंगिन और फ्रेड मर्फी के साथ सहयोग किया सात उन्होंने बॉडी रॉक उन्नीस सौ चौरासी और टू लिव एंड डाई इन एले उन्नीस सौ पचासी सहित उच्च प्रोफाइल परियोजनाओं पर एक कैमरा ऑपरेटर के रूप में भी काम किया दोनों को रॉबी मुलर द्वारा शूट किया गया था आठ वो वह बॉब गिराल्डी और रूपर्ट विनराइट जैसे निर्देशकों के लिए काम करते हुए एक संगीत वीडियो और व्यावसायिक छायाकार भी बने नाइन उन्हें बड़ा ब्रेक तब मिला जब वह स्टाइलिश क्राइम ड्रामा मियामी वाइस के तिरपन एपिसोड के लिए फोटोग्राफी के निदेशक थे और उन्नीस और उन्नीस के बीच श्रृंखला के प्राथमिक डीपी के रूप में काम किया श्रृंखला में उनके काम ने निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया जिससे उन्हें बड़े बजट पर काम करने में मदद मिली हॉलीवुड फिल्में जिनमें डाई हार्ट दो उन्नीस फेस ऑफ उन्नीस यू पांच सौ इकहत्तर दो हजार फैंटास्टिक फोर दो हजार पांच और एंकरमैन दो द लीजेंड कंटिन्यूज दो हजार तेरह शामिल है दस वो वह जबरदस्त एक्शन फिल्म कटथ्रोट आइलैंड के फोटोग्राफी के मूल निर्देशक थे लेकिन उन्हें सेट पर चोट लग गई और उनकी जगह पीटर लेवी ने ले ली ग्यारह उबारह उ तेरह उ उन्होंने बॉर्न ट्रिलॉजी की भी शूटिंग की जहां उन्होंने एक सहेज प्राकृतिक प्रभाव पैदा करने के लिए निर्देशक पॉल ग्रीनग्रास के साथ काम किया अक्सर कई कैमरों का उपयोग करते हुए बार बार हाथ में लेकर द बैटल ऑफ अल्जियर्स जैसी फिल्मों को एक प्रभाव के रूप में उद्धृत किया चौदह पंद्रह उन्हें द बोर्न अल्टीमेटम 2007 के लिए बाफ्टा के लिए नामांकित किया गया था सिक्सटीन दो में वुड ने फिल्म के एक्शन दृश्यों को फिल्माने के लिए गोप्रो कैमरों का उपयोग करते हुए बेनहर की रीमेक की शूटिंग की एक जिसका निर्देशन तैमूर बेकम्बेटोव ने किया था सत्रह उनका अंतिम श्रेय मोरबियस 2022 को था फाइव मृत्यु वुड की उनके इक्यासीवें जन्मदिन से आठ दिन पहले तेरह फरवरी 2023 को 80 वर्ष की आयु में लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में उनके घर पर कैंसर से मृत्यु हो गई फाइव फिल्मोग्राफी फोटोग्राफी निदेशक बिली वेबर एक अमेरिकी फिल्म संपादक है जिनके पास डेज ऑफ हेवन उन्नीस के कई फिल्म क्रेडिट है वन वेबर की पहली संपादन भूमिकाओं में से एक टेरेंस मैलिक की निर्देशक के रूप में पहली फीचर फिल्म बैडलैंड्स उन्नीस में एसोसिएट एडिटर विलियम वेबर के रूप में के रूप में थी बैडलैंड्स का संपादन रॉबर्ट एस्ट्रिन द्वारा किया गया था वेबर ने मलिक की अगली फिल्म डेज ऑफ हेवन उन्नीस का संपादन किया जब मलिक 20 साल बाद द थिन रेड लाइन उन्नीस के साथ फिल्म निर्देशन में लौटे उन्होंने लेस्ली जोन्स और सार क्लेन के साथ इसे संपादित करने के लिए एक बार फिर वेबर को काम पर रखा जबकि वेबर ने मलिक की अगली फिल्म द न्यू वर्ल्ड का संपादन नहीं किया वह इस परियोजना में एक सहयोगी निर्माता थे हाल ही में वेबर मलिक की पांचवीं फीचर द ट्री ऑफ लाइफ 2011 के पांच सहयोगी संपादकों में से एक थे मलिक के साथ इस उल्लेखनीय सहयोग के अलावा वेबर ने बेवरली हिल्स कॉप मार्टिन ब्रेस द्वारा निर्देशित उन्नीस सौ चौरासी टोनी स्कॉट उन्नीस और मिडनाइट रन ब्रेस्ट उन्नीस का संपादन किया है वेबर को टॉप गन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था उन्हें द थिन रेड लाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के साथ साथ एडी पुरस्कार और सैटेलाइट पुरस्कार के लिए फिर से नामांकित किया गया था मोशन पिक्चर एडिटर्स गिल्ड की सदस्यता के एक सर्वेक्षण में डेज ऑफ हेवन को अब तक की पैंतालीसवीं सर्वश्रेष्ठ संपादित फ़िल्म के रूप में सूचीबद्ध किया गया था Two. वेबर ने एक फ़िल्म जोश और एस एम उन्नीस का निर्देशन किया है जिसे मार्टिन ब्रेस द्वारा निर्मित किया गया था हेनरी प्राइस जैकमैन जन्म 1 जून उन्नीस एक एक अंग्रेज़ी संगीतकार है उन्होंने कोंग स्कल आइलैंड एक्समेन फर्स्ट क्लास विनी द पू, ब्रेक इट राल्फ राल्फ ब्रेक्स द इंटरनेट पुस इन बूथ्स, मॉन्स्टर्स वर्सेस एलियंस कैप्टन फिलिप्स किकैस किक जैसी फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया एस दो तरबो बिग हीरो छे रॉन गॉन रॉन्ग द इंटरव्यू डिटेक्टिव पिकाचू और स्ट्रेंज वर्ल्ड के साथ साथ वीडियो गेम अनचार्टेड चार थीव्स एंड और डिज्नी इन्फिनिटी दो दशमलव शून्य जीवन और कैरियर जैकमैन का जन्म लंदन के हिलिंगडन में हुआ था दो उन्होंने सेंट पॉल कैथेड्रल चॉय स्कूल ईटन कॉलेज फ्रैमलिंगम कॉलेज और न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शास्त्रीय संगीत का अध्ययन किया जैकमैन ने माइक ओल्डफील्ड वॉयजर सेली ओल्डफील्ड फ्लेमिंग स्टार ट्रेवर हॉर्न बटा आर्ट ऑफ नॉइज द सेडिक्शन ऑफ क्लाउड डेब्यू एल्टन जॉन और गैरी बार्लो सहित कलाकारों के साथ प्रोग्रामिंग और प्रोडक्शन का काम किया है उन्होंने सील के अप्रकाशित 2001 एल्बम टुगेदरलैंड का सहनिर्माण किया तीन एल्बम से रिलीज किया गया दिस कुड बी हेवेन भी जैकमैन द्वारा सहलिखित था और फिल्म द फैमिली मैन में इस्तेमाल किया गया था चार और सील के संकलन एल्बम हिट्स के डीलक्स संस्करण में शामिल किया गया था जैकमैन ने तीन एल्बम जारी किए हैं यूटोपिया 2003, हज़ार तीन ट्रांसफिग्रेशन दो और एकॉस्टिका 2007 हज़ार सात ऑगस्टस इसाडोर के साथ 2006 के बाद से जैकमैन ने फिल्म स्कोर पर कई छोटी भूमिकाएं निभाईं आमतौर पर गुरु हंस जिमर के साथ काम किया जिसमें द कोड म्यूजिक प्रोग्रामर द डार्क नाइट म्यूजिक अरेन्जर और पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन डेड मैन चेस्ट के लिए अतिरिक्त संगीत शामिल था वर्ल्स एंड द सिम्पसनस मूवी कुंग फू पांडा और हैंगकॉक दो हजार नौ में जैकमैन जिमर और जॉन पॉवेल ने ड्रीम वर्कस एनिमेशन के सीक्रेट्स ऑफ द फ्यूरियस फाइव कुंग फू पांडा की अगली कड़ी पर अपने काम के लिए एनिमेटेड टेलीविजन प्रोडक्शन या शॉर्ट फॉर्म में संगीत के लिए 2008 हज़ार इनी पुरस्कार जीता पांच तब से उन्होंने मॉन्स्टर्स वर्सेज एलियंस हेनरी फोर गुलिवर्स ट्रेवल्स एक्समैन फर्स्ट क्लास विनी द पू, अब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर व्रेकिट राल्फ कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर और के लिए साउंड ट्रैक तैयार किए हैं कप्तान अमेरिका गृहयुद्ध उनका पहला प्रमुख वीडियो गेम स्कोर अनचार्टेड चार ए थीव्स एंड था मार्च 2022 में रिजर्वोयर मीडिया ने जैकमैन के कैटलॉग के अधिकार हासिल कर लिए। सेक्स परिवार हेनरी जैकमैन की बोर्डिस्ट और अरेंजर एंड्रयू प्राइस जैकमैन के बेटे हैं, जो द सि के सदस्य थे और उन्होंने यस के क्रिस क्वायर के साथ कई वर्षों तक काम किया था उनके चाचा ग्रेग जैकमैन एक साउंड इंजीनियर और निर्माता है जिन्होंने किंग्स सिंगर्स और बार्कले जेम्स हार्वेस्ट के साथ काम किया है साथ हेनरी और उनके चाचा दोनों ने मोआ के 1999 एल्बम यूनिवर्सल पर काम किया आठ उनके दादा बिल जैकमैन ने द बीटल्स सार्जेंट पर वहन आई एम सिक्सटी पर शहनाई बजाई थी पेपर्स लोनली हार्ट्स क्लब बैंड नाइन डिस्कोग्राफी एकल, माइक ओल्डफील्ड आयरलैंड की महिलाएं उन्नीस उदास स्माइली सहनिर्मित प्रोग्रामिंग एल्टन जॉन और लीन रिम्स रिटेन इन द स्टार्स उन्नीस उदास स्माइली प्रोग्रामिंग जॉकलिन ब्राउन आई बिलीव उन्नीस उदास स्माइली प्रोग्रामिंग मिक्सिंग सील दिस कुर्बी हेवेन 2000 उदास स्माइली सहलिखित सहनिर्मित प्रोग्रामिंग एल्बम, माइक ओल्डफील्ड वोयाजर उन्नीस उदास स्माइली सहनिर्मित प्रोग्रामिंग सेली ओल्डफील्ड, फ्लेमिंग स्टार कॉनर रीव्स अर्थबाउंड उन्नीस उदास स्माइली प्रोग्रामिंग माइकल गॉर्डन वेदर उन्नीस उदास स्माइली प्रोडक्शन साउंड डिजाइन आर्ट ऑफ नॉइज द सेडक्शन ऑफ क्लाउड डेब्यूसी उन्नीस सौ निन्यानवे उदासमाइली बॉर्न ऑन अ संडे सहनिर्मित सहलिखित मोआ यूनिवर्सल उन्नीस सौ निन्यानवे उदासमाइली लेखन निर्माण मिश्रण मैरीना मैटिस टाइम टू फ्लाई 2001 उदास स्माइली लेखन निर्माण मिश्रण सील टुगेदरलैंड दो शूने शूने एक अप्रकाशित निर्माण प्रोग्रामिंग हंस जिमर द हॉलीडे OST दो हजार छह उदास स्माइली सहलेखन वेंटेज Point OST दो हजार आठ उदास स्माइली सहलेखन विभिन्न कलाकार मॉन्स्टर्स बनाम एलियंस OST दो हजार नौ उदास स्माइली लेखन एकल एल्बम यूटोपिया वेस्टवर्न म्यूजिक दो हजार तीन ट्रांसफिग्रेशन केपीएम म्यूजिक दो हजार पांच ध्वनिक KPM संगीत 2007. फिल्मोग्राफी बात की जाए तो इसके पिछले पार्ट के बारे में तो पिछहत्तर मिलियन के बजट में उसे बनाया गया था और दो मिलियन का इसने कलेक्शन दिया था जो कि एक तरह से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था इस मूवी के मेकर्स के लिए और साथ ही साथ इसका चौथा पार्ट भी हमें देखने को मिलेगा ये एक एक्शन एक तरह से मूवी है जो कि हमें अपकमिंग देखने को मिल सकती है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में